हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर शुप्रा गर्ग। एंड जैसा कि आप लोग टाइटल से देख सकते हैं, आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू गेट रिलीफ फ्रॉम साइनुसाइटिस इन 21 डेज। यस, 21 डेज। आप लोग सोचेंगे कि जिस साइनुसाइटिस के लिए मैं सालों से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ उसके बाद भी मुझे रिलीफ नहीं है, उसके लिए मुझे 21 दिनों में कैसे रिलीफ मिल जाएगा। तो आप सही जगह आए हैं और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि साइनुसाइटिस होता क्या है, उसके पीछे के कारण क्या है और उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो जब हमारी नेजल कैविटीज में इन्फ्लेमेशन आ जाती है तब हम उसको कहते हैं साइनुसाइटिस या फिर साइनस इन्फेक्शन। ये इन्फ्लेमेशन क्यों आती है? क्योंकि हमारे जो कैविटीज होती हैं उसमें म्यूकस क्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर सूजन हो जाती है। तो जो साइनसाइटिस होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है एक्यूट, जो कि खुद ही कुछ हफ्तों में या फिर कुछ दिनों में रिजॉल्व हो जाता है। दूसरा होता है क्रॉनिक साइनसाइटिस, जो कि 8 हफ्तों से ज्यादा ले लेता है। दोनों के होने का कारण जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि एक्यूट साइनसाइटिस होता है कॉमन कोल्ड में या फिर आपको एलर्जी हो रही है। जो क्रॉनिक साइनसाइटिस होता है उसके पीछे का कारण होता है इन्फेक्शन या फिर ओवरग्रोथ। वो ओवरग्रोथ हो सकती है नेजल पॉलिप के रूप में या फिर आपको वहां पे डेविएटेड नेजल सेप्टम भी हो सकता है, यानी कि जो हमारे बीच का जो पार्ट होता है जो कि हमारी नोज को डिवाइड करता है उसको हम कहते हैं नेजल सेप्टम, जब उसके अंदर डेविएशन आ जाता है यानी कि वो अपने पार्ट से खिसक जाती है। तीसरी चीज हो सकती है या फिर आपको कोई सीजनल एलर्जी है या फिर आपको पोस्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की फॉर्म में भी साइनुसाइटिस हो सकता है। मतलब अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है या फिर आपको कुछ ऐसी एलर्जी हुई है जिसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में आपको साइनुसाइटिस हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? द मोस्ट कॉमन सिम्टम जिसका देखा जाता है वो होता है हेडेक। हेडेक के साथ साथ फेशियल पेन, यानी कि आपको इस एरिया में या फिर आपको ईयर्स में, आईज में, इन सब जगहों पे पेन होता है। उसके बाद इसमें आपको फीवर मिलता है, रनी नोज, नेजल कंजेशन, उसके साथ साथ आपको बनता है फ्लेम। फ्लेम यानी कि बलगम। जब वो बलगम आपके थ्रोट में होता है तब वो आपको देता है थ्रोट इरिटेशन या फिर कफ, लेकिन जब वही बलगम आपकी नेजल कैविटीज में क्लॉक हो जाता है तो वो आपको देता है साइनुसाइटिस, जिसकी वजह से आपको स्लीपिंग इन डिफिकल्टी भी फेस करने को मिलती है। तो ये सब बात हो गई इसके कारणों की और इसके सिम्टम्स, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे देखने को मिलती है वो है इसका ट्रीटमेंट, जिसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहली चीज, ट्रीटमेंट में अगर आपको हेडेक हो रहा है या फिर आपको नेजल कंजेशन है, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग है या फिर आपको फेशियल पेन है, तो आपको ये सडन रिलीफ वाला जो मैं यहाँ पे ट्रीटमेंट बता रही हूँ ये आप ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं नेजल मसाज या फिर नेजल एक्यूप्रेशर। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। आपको ऑलिव ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल को लिक्वॉर्म करके लेना है और सबसे पहले आपको ऑयल सिर्फ जो है अप्लाई कर देना है फेस पे, फ्रंटल पार्ट पे और आपके जाइगोमेटिक एरिया के पार्ट पे। जो हमारा साइनुसाइटिस होता है उसमें हम बेसिकली हमारे नोज एरिया, जाइगोमेटिक एरिया और जो हमारा फ्रंटल पार्ट होता है इसी पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो सबसे पहले आइए अब मसाज टिप्स देखते हैं। तो हमें अपने फिंगर्स पे ऑयल लगा लेना है और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मसाज करनी है। उसके बाद हम अपना जो मैक्सिलरी साइनस है उसके वहाँ से मसाज करते हुए हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। इसी तरीके से हम अपने फ्रंटल साइनस की भी मसाज करते हैं। मेक श्योर कि आप ये प्रोसीजर जो है बहुत जेंटली करें, इस पर आपको कोई भी हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रोसीजर को हम इसको 15-20 टाइम जो है हम रिपीट करते हैं फॉर 5-10 मिनट्स। हम यही ऐसे मसाज करते हैं, इसको हम कहते हैं नेजल मसाज। अब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर की। आपको अपने थंब टिप पे ऑयल लगाना है और अपने मैक्सिलरी साइनस पे 5-6 बार उसको प्रेशर देना है। मेक श्योर कि इसी डायरेक्शन में आप मैक्सिलरी साइनस पे माइल्ड प्रेशर दें। इससे हमारा जो म्यूकस अंदर क्लॉक होता है वो अपनी कैविटीज से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम अपने स्फिनॉइड साइनस की मसाज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा स्फिनॉइड साइनस होता है यहाँ पे हम जेंटल प्रेशर देंगे और स्फिनॉइड साइनस की भी मसाज करेंगे। नेक्स्ट है फ्रंटल साइनस मसाज। तो फ्रंटल साइनस की मसाज हम इसी डायरेक्शन में करेंगे, इससे हमारा फ्रंटल साइनस में म्यूकस क्लॉक जो होता है वो बाहर आ जाता है।
साइनसाइटिस में स्नेहन स्वेदन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए अब स्वेदन के लिए हम स्टीम देंगे जो कि हम एक टॉवल की हेल्प से देंगे। तो यहाँ गर्म पानी में मैंने यहाँ पर टॉवल को डिप कर लिया है और उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे, और निचोड़ने के बाद इस टॉवल को हम फेस के ऊपर रखेंगे जिससे हमारे साइनस पे स्टीम मिले। और याद रहे कि यहाँ पे हमें अपने साइनस वाले जो एरियाज़ हैं उन पे जेंटली जो है वो प्रेशर अप्लाई करते हुए ये स्टीम जो है हमें देनी है, इससे जो हमारा म्यूकस है वो थिन आउट होके हमारी कैविटीज से बाहर आ जाता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने टॉवल स्टीम लिया है, आप इसकी जगह पे नॉर्मल स्टीमर से भी स्टीम ले सकते हैं। उसके अलावा ये जो होता है ये साइनसाइटिस सडन रिलीफ के लिए होता है, यहाँ तक कि अगर आपको रिकरेंट कोल्ड हो रहा है या फिर आपको एलर्जीज की वजह से हमेशा रनी नोज रहती है तो मेक श्योर कि आप ये स्टेप्स जो हैं वो हफ्ते में 3 बार जरूर फॉलो करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको साइनसाइटिस नहीं होगा, ये गारंटी है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज जो कि उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट होता है इसमें ट्रीटमेंट, वो है चेंज योर मॉर्निंग रूटीन। तो आपको अपना मॉर्निंग रूटीन कैसे चेंज करना है, सबसे पहली चीज गो फॉर अ वॉक। आपको सैर पर जाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये कोशिश करें कि आप सैर पर सुबह उठ के सुबह की फ्रेश एयर लेने ही जाएं, क्योंकि जो सुबह की हवा होती है वो सबसे ज्यादा प्योर होती है। दूसरी चीज है सनबेदिंग, आपको रोज आधे घंटे तक सनबेदिंग जरूर करनी है। कुछ लोगों को सनबेदिंग करते टाइम टैनिंग का डर रहता है, लेकिन अगर आप मॉर्निंग की 6 से 8 बजे की अगर जो सनराइज वाली धूप होती है उसमें अगर आप बेडिंग करना शुरू करेंगे तो आपको टैनिंग कभी नहीं होगी। तो तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है इंक्रीज योर वाटर इनटेक। जो हमारा म्यूकस होता है वो गाढ़ा होता है, वो चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से वो हमारी वेसल्स में क्लॉक कर जाता है और वो वहां से जल्दी से निकलता नहीं है। तो उसको निकालने के लिए हम करते हैं कि आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना है, जिसकी वजह से जो हमारा म्यूकस होता है वो पतला हो जाता है। लिक्विड इनटेक का मतलब ये नहीं कि आप शुगरी ड्रिंक्स लेने लग जाएं या फिर आप बाहर के बेवरेजेस लेने लग जाएं, वो गलत होगा, उससे आपका म्यूकस पतला नहीं होगा बल्कि और गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए सिर्फ पानी का इनटेक, जिसमें आप शहद डाल के भी ले सकते हैं और बिना शहद के भी, आपको वो बढ़ाना चाहिए। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जहां पे मैंने 5 हेल्दी टिप्स शेयर किए थे, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको कैसी हेल्दी डाइट लेनी है। यहाँ पे मैं आपको इतना बता दूं कि एक ऐसा फ्रूट है जो कि आपको मॉर्निंग में जिसका इंटेक बिल्कुल कम कर देना है, वो है बनाना। बनाना जो होता है साइनसाइटिस के केस में कफ को बढ़ाने वाला होता है, स्पेशली इन द मॉर्निंग। आप दिन में जब सूरज हमारा तीव्र होता है तब आप बनाना का इंटेक कर सकते हैं, बट मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक बनाना को बिल्कुल अवॉइड कीजिए। इन सारे प्रोसीजर्स को करते टाइम आपको ऐसा फील होगा कि आपका म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, आपकी रनी नोज ज्यादा हो रही है, तो बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि उनका साइनसाइटिस बढ़ रहा है, पर ऐसा नहीं होता। साइनसाइटिस हमारा बढ़ता नहीं है, बल्कि जो हमारा म्यूकस जो हमारी डिफरेंट वेसल्स में एक्यूमुलेट हो गया है या फिर हमारी कैविटीज में भर गया है, वो वहां से पिघल कर बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स में एग्रीवेशन मिल सकता है। बट इससे घबराइए मत, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपको जो है साइनसाइटिस से बहुत जल्दी जड़ से छुटकारा मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है, आप जिस दिन ये समझ जाएंगे कि साइनसाइटिस की जड़ आपकी नाक नहीं आपका पेट है, उस दिन आप साइनसाइटिस से रिलीफ पा लेंगे। वो कैसे? साइनसाइटिस है वो होता है आपका अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से, या फिर आपका सालों से पड़ा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड जो कि आपके इंटेस्टाइन में क्लॉक हो रखा है, जो वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है और वहां पड़े पड़े आपका कफ बढ़ा रहा है या फिर आपके शरीर में जो दोष है उनको कुपित कर रहा है, तो आप उसके लिए एनीमा लेना स्टार्ट कर दीजिए। उसमें आपको लेना है वॉटर एनीमा। बहुत लोग इस नाम से डर गए होंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं बट एनीमा नहीं ले सकते, तो आप मेरी बात मानिए और एक बार ये एनीमा का जो मैं प्रोसीजर आपको बताने वाली हूँ उनको फॉलो करो और आप देखोगे कि आपको कितनी जल्दी साइनसाइटिस में इन 21 डेज रिलीफ मिल जाता है। तो सबसे पहली चीज इसमें आती है एनीमा फॉर 21 डेज। आपको 21 दिनों तक लगातार एनीमा लेना है सिर्फ पानी का, और वो पानी जो है वो ल्यूकवॉर्म वाटर होना चाहिए और आप उसमें 250 ml तक एनीमा लेना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको वो एनीमा हमेशा 10 मिनट्स तक होल्ड करके रखना है मिनिमम, ताकि जो हमारे इंटेस्टाइन्स है वो क्लियर करने में हेल्प करता है। सिर्फ इंटेस्टाइन ही नहीं बल्कि जो भी म्यूकस हमारी इंटेस्टाइन में क्लॉक होता है उसको भी बाहर निकालता है।
के कुछ दिनों में आपको ऐसे लगेगा कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 1 मिनट है या फिर उससे भी कम हो सकती है, बट उससे डरने की कोई बात नहीं है। सबसे पहली चीज इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपको ये नीमा एम्प्टी स्टमक लेना होता है, यानी कि आप जब फ्रेश हो जाते हैं सुबह मॉर्निंग में उठ के, उसके बाद ही आपको ये नीमा लेना होता है, उससे पहले नहीं। दूसरी चीज, अगर आप ये एनीमा उस टाइम पे नहीं ले पाते हैं तो एक और तरीका है, आप ब्रेकफास्ट करने के 3 से 4 आवर्स के बाद भी ये एनीमा ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि उन 3-4 घंटों के गैप में आप बिल्कुल भी कुछ भी फूड या फिर वाटर कंजम्पशन ना करें। 21 दिनों तक तो लगातार आपको एनीमा लेना है, उसके बाद आपको हफ्ते में एक बार ये एनीमा लेना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आपकी साइनसाइटिस की जड़ आपका पेट है। आपको अनीमा पॉट असेंबल करना है, उसके अंदर 250 से 300 ml ऑफ ल्यूकवॉर्म वाटर भरना है, और इंसर्टिंग जो फ्रंट पाइप है उसमें ऑयल ल्यूब्रिकेशन करनी है। अनीमा पॉट को एक हाइट पे रखना है और आपको नील डाउन होकर अपने बट से बेंड होकर अनीमा लेना है। आप चाहें तो अपने स्टमक एरिया से बेंड होकर भी स्टैंडिंग पोजिशन में अनीमा ले सकते हैं। उसके बाद आपको जितनी देर तक आप अनीमा होल्ड करेंगे उतनी देर तक आपको वॉक करना है। अब उसके साथ मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिकेशंस की जो आप इसके साथ साथ ले सकते हैं, आपको उसमें बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा, और वो है जिंजर जूस एक्सट्रैक्ट। आप उसके साथ साथ सिनेमन पाउडर, जिसे आप टी की फॉर्म में भी ले सकते हैं। कुछ ऐसी वटी होती है जैसे कि लवंग आदि वटी और व्योश आदि वटी, ट्रिमेंडस रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। और साथ साथ आप पिपली चूर्ण या फिर शुंठी चूर्ण अलग से भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगी कुछ काढ़े की, जैसे स्वासरी क्वाथ या फिर दशमूल का काढ़ा। दशमूल के क्वाथ का इन्फ्लेमेशन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, और यहाँ तक कि आप दशमूल के काढ़े की स्टीम भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप इम्यूनो बूस्टर मेडिकेशन भी ले सकते हैं, जो कि आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। आयुष क्वाथ या फिर आरोग्य वटी। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को हिट करना, ताकि आप मेरी आने वाली और भी ऐसी वीडियोस को देख पाएं। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, बी हेल्दी एंड बी सेफ।